नांदेड़ के बाद गोदावरी महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना में प्रवेश करती है। यहां पर संगमेश्वर मंदिर है और दो नदियां हरिद्रा माजरा गोदावरी में मिलती हैं। तीन नदियों का संगम होने के कारण इस स्थान को भी पवित्र माना गया है। गोदावरी की धारा के साथ, घटते बढ़ते पानी के साथ यहां लोगों का जीवन जुड़ा है। नदी की लहरें किनारों से टकरा रही हैं और एक मधुर संगीत साथ चारों तरफ फैल रहा है। जो आसपास लोग रहते हैं उनके लिए आवाज बहुत सुकून देने वाली है। नदी पानी से भरी है, जिंदगी में खुशहाली है। संगमेश्वर से महाराष्ट्र की सीमा को छोड़ते हुए गोदावरी के साथ हम तेलंगाना पहुंच चुके हैं। हमने कागज पर लकीरें खींची हैं, लेकिन नदी लकीरों को कहां मानती है। मेरे हाथ में महाराष्ट्र और तेलंगाना की मिट्टी है। महाराष्ट्र में मिट्टी काली है और तेलंगाना में लाल हो जाती है। ये कुल देवता है, उनके कुल देवता की वजह से उन्होंने हर साल यहाँ आकर दर्शन लेके जाते हैं, तो उस लिहाज से उनका जन्म होने की वजह से उनका नाम जो है केशव जो है उनको रखा। केशव उनके पिताजी का नाम बलराम हेडगेवार, उनका घर का नाम है, इस लिहाज से केशव बलराम हेडगेवार।